नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनावों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है भाजपा का परिवार। कई बड़े नेता अपनी पार्टियों को छोड़ भाजपा में हो रहे हैं शामिल। भगवानपुर से बसपा नेता सुबोध राकेश ने भाजपा में की घर वापसी। एसडीआरएफ ने चलाया सर्चिंग अभियान। होली के दिन खुशियों की जगह घरों में छाया मातम। गंगा में नहाते समय दो युवक डूबे। संभावित स्थानों पर चलाया जा रहा है गहन सर्च ऑपरेशन। हरीश रावत ने की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च महत्व दिया। 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर लगाई गंभीर धाराएं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में आज बड़ी संख्या में होंगे नामांकन। भाजपा कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के साथ अनिल बलूनी आज करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों प्रत्याशियों के नामांकन में रहेंगे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला और वीरेंद्र रावत भी आज करेंगे नामांकन। 3 दिन के अवकाश के बाद आज से फिर शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन की अंतिम तारीख है 27 मार्च। चले बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र अंतर्गत साईघाट और नीम बीच पर गंगा नदी में दो युवक डूब गए, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया है। पुलिस चौकी ढालवाला द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि तपोवन क्षेत्र में साईघाट पर गंगा नदी में व्यक्ति डूब गया है। सर्चिंग के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मुख्य आरक्षी अर्जुन पवार के हमरा में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग अभियान चलाया गया। उसी दौरान एक अन्य घटना में नीम बीच के पास एक अन्य व्यक्ति के डूबने की सूचना एसडीआरएफ की टीम को मिली। एसडीआरएफ की टीम के डीप डाइवर्स द्वारा संभावित स्थानों पर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जब 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने 32 घंटे तक थाने में ही धरना दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है और वीरेंद्र रावत 27 मार्च को नामांकन करेंगे। इस अवसर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे और इसके बाद गांव-गांव जाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता साथियों, आप कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हरीश रावत आप सबका आह्वान कर रहा है कि आप अपने आप को हरीश रावत समझकर इस लोकसभा के चुनाव में उठ करके खड़े हुई है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाई है। आपको निराश नहीं किया है। मैं वह हरीश रावत हूं जब आप पर दर्द कष्ट आया है। अभी हाल में पंचायती चुनावों के वक्त में 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर 307, 332, 333, 392 जैसी कई धाराएं, आपराधिक धाराएं लगा दी गई थी। उनको निषिद्ध करने का प्रयास हुआ था और शायद देश के इतिहास में मैं पहला भूतपूर्व मुख्यमंत्री होऊंगा जो पुलिस के और राज्य सरकार के इस तरीके के कृत्य के खिलाफ एक थाने में 24 घंटे। भाजपा के नेता अपनी पार्टी के निर्णय से काफी निराश हैं, लेकिन भाजपा के विकास की नीतियों से प्रभावित हैं और खुद भी देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। निश्चित रूप से बढ़ रहा है। कल भी हमारे एक वरिष्ठ 3 बार के विधायक
हमारे साथ जुड़े हैं। आज जिनका एक बड़ा जनाधार है उनका हमारी पार्टी में आना हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ बसपा के भी जो लोग हैं वो इसी प्रकार के निर्णयों से ही दुखी होकर और देश के विकास में मोदी जी का साथ देना चाहते हैं, इसलिए हम सबका स्वागत कर रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है उनसे प्रभावित होकर और हमारे मुख्यमंत्री जी के जो विकास काम है उनसे प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में 12,000 लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के लोहाघाट विधानसभा के संयोजक पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने अपने कार्यालय में सीमांत क्षेत्र के पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने और सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा की लहर है, पूरा देश तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने और सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा की लहर है, पूरा देश तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। एक बैठक का आयोजन किया जिसमें सभी कुछ क्षेत्र पंचायत कुछ प्रधान सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और एक आपस में डिस्कस किया है कि इस चुनाव को हम किस ढंग से लड़े। एक रणनीति के तहत गांव-गांव जाने वाली बात आई है, नॉमिनेशन के बाद बहुत तेजी से काम किया जाएगा। वर्तमान में मोदी जी और जिला पंचायत सदस्य बीडीसी मेंबर और इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी, इन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ली है और मैंने आज इनका स्वागत किया है। मुझे पूरा विश्वास है हरिदास जी का जो जनाधार है उसका लाभ इस लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा की चिंता करना दल के मुखिया के नाते मेरा कर्तव्य है और मैं आज उनको अपने परिवार में सम्मिलित करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हरिद्वार जैसा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्व में आज हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष विरोध है, ब्लॉक प्रमुख हमारे पास है, लेकिन जो इस प्रकार के जनाधार वाले नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को और गति देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं ऐसे में और गांधी जी की जो नीति है उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ। आज सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि मुझे वहां जिस दिन से हमारे धामी जी ने जो अब सभी का एक अपनापन वो करा था कि भाई समान अधिकार कानून लाए थे तो उस कानून को हमारे बाबा साहब भीमराव काम करने के लिए कहीं भी कोई छूट नहीं थी। टिहरी सीट से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। इस दौरान दोनों प्रत्याशी द्वारा रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया गया। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अजय सिंह ने नामांकन के दिन विशेष व्यवस्था रखने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक हो चुकी है, जनसभा की आज्ञा और रूट निर्धारित कर दिया गया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। को बचाने की आज ही से करें पहल, वृक्ष लगाएं, प्रकृति बचाएं, सर्वधर्म संगम चैनल की ओर से